बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्करी के मामलों में उत्पाद कोर्ट के द्वारा कांडों के निष्पादन में तेजी भी लाई जा रही है, फिर भी कहीं न कहीं शराब तस्कर सक्रिय नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मुजाहिदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब के साथ दो तस्कर को कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता गांव के रहने वाले बीएमपी जवान मनोज पासवान और उसके साथी पुलिस पासवान को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी में गिरफ्तार तस्कर मनोज पासवान ने पुलिस को बताया कि स्टेशन पर उतरने के बाद उसने देखा कि उसके गांव का एक व्यक्ति कार से जा रहा था और उसने उसमें लिफ्ट ली और वह कार में सवार हो गया। हालांकि पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मनोज पासवान ही शराब की खेप लेकर रेल रूट से भागलपुर पहुंचा था और अपने साथी के साथ शराब लेकर अपने गांव जा रहा था। वहीं भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भागलपुर के रास्ते बौंसी रोड होते हुए एक कार से शराब की बड़ी खेप जगदीशपुर लाई जा रही थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस टीम ने बाल्टी कारखाना चौक पर नाकाबंदी कर वाहनों की जाँच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि गुट्टा चौक की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार पुलिस चेकिंग देखकर रुक गई और चालक ने कार को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कार को रोक लिया, जिसके बाद उसमें सवार तस्कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर मनोज पासवान और पुलिस पासवान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कार की तलाशी के दौरान दो बैग में रखी 15 बोतल विस्की, 3 वोदका और 3 बोतल केन बियर बरामद किया गया है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिससे कार में भारी संख्या में शराब की बोतलें बरामद की गई। साथ ही 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जी, पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था, इसमें एक नाकबंदी की गई है और एक फोर व्हीलर को डिटेन किया गया। तलाशी उपरांत इसमें तकरीबन 15 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और गाड़ी में उपस्थित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मनोज पासवान है और एक का नाम पुलिस पासवान है। मनोज पासवान बीएमपी में कार्यरत है सिपाही के पद पे और विसंबद्ध कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानगंज के नवादा मोहल्ले में युवक मनीष कुमार द्वारा शादी से इनकार करने के बाद उसकी प्रेमिका साक्षी कुमारी ने प्रेमी के घर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साक्षी ने प्रेमी के घर घुसकर शादी करने की जिद को लेकर धरना दे दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने साक्षी को समझाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर बल प्रयोग करते हुए उसे पीट कर घायल कर दिया। घटना की शुरुआत तब हुई जब साक्षी कुमारी, जो मनीष कुमार द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा रही है, अचानक मनीष के घर पहुंच गई। मनीष कुमार की मां और बहन से साक्षी की जमकर लड़ाई हुई और किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्षी को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह धरना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। साक्षी कुमारी ने मनीष पर एक निजी होटल में शादी कर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया, जो महिला आयोग के न्यायालय में लंबित है। वहीं भागलपुर महिला थाना प्रभारी किरण सोनी भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि इस दौरान साक्षी ने विरोध में अपने हाथ काट लिए, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि मनीष कुमार सुल्तानगंज थाने में प्राइवेट चालक है और साक्षी के साथ दोनों का पिछले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। इस दौरान दोनों ने एक होटल में शादी भी की थी, लेकिन अब शादी करने से मनीष मुकर गया है। हालांकि महिला आयोग ने दोनों की काउंसलिंग भी की, लेकिन जब मनीष की शादी दूसरी जगह तय होने लगी तो साक्षी ने उसके घर पर धरना दे दिया। वहीं साक्षी और उसकी मां ने आरोप लगाया कि मनीष ने पुलिस को रिश्वत दी, जिससे पुलिस मनीष का पक्ष ले रही है और साक्षी के साथ मारपीट कर रही है। होटल में शादी किया था, नहीं रख रहा है। अभी क्या करने आए हैं यहाँ पे? अभी क्या करने? रहने के लिए आए, हम रहेंगे, घर आए रहने के लिए, रखे हमको, काम खत्म है। मामला कोर्ट में रहा है। मामला कोर्ट में, कोर्ट में बोल दिया कि शादी कर लिए है। जब शादी करके वो बेल ले रहे हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे यहाँ। हम रहेंगे न तो हम यहाँ मरेंगे सर। किससे शादी की? बड़ा हम नहीं जाएंगे थाना। मनीष कुमार का बेल हो गया है,
और यह अब कह रही है कि हम उनसे शादी किए हैं। कोर्ट में क्या बोला है तो हमको जानकारी है नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि बेल हो गया है और हम इसको नहीं रखेंगे, हम इनसे शादी नहीं किए हैं। जैसा लड़का महिला का आरोप है कि उसको हमारे साथ सहमति मिलने के बाद ही बेल मिला है, जैसा ये हमको पता नहीं है कैसे बेल हुआ। ये तो मनीष बताएगा, ये बताएगी या कोर्ट बताएगा। आगे क्या निर्देश मिला है आपको वरीय पदाधिकारी? तो वरीय पदाधिकारी बोले कि इनको लेकर के आइए थाना पे वहीं पे बात होगी, मामला बातचीत वहाँ थाना पर चलिए, वहाँ बातचीत होगा। इतना दिन से उसके पास लेके जा रही थी तो नहीं आई, पैसा पे मतलब है ना, वो आई यहाँ और मेरा बेटी को मारी, माथा झोपड़ी घींच के और है ना बहुत घींच के समेट के ले गई है। क्या क्या लगता है क्या किया फिर? अभी नस काट लिया। हाँ नस काट लिए, जब वो है ना मारने लगा खूब तो ना करेगी। क्या लगता है पुलिस इसको बचा रही है मनीष कुमार को? उससे है ना पैसा खाया गया है और उससे बहुत अच्छा संपर्क था इसीलिए। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर, मोबाइल नंबर 6200643686। बाल श्रम आज हमारे देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। बाल श्रमिक हमारी व्यवस्था समाज और संवेदना की उस नकारात्मकता शोषणवादी मानसिकता का मूर्त रूप है जो स्वार्थ और दोहरी विचारधारा की परिणति है। यह तथाकथित सभ्य आर्थिक प्रगति गरीबी अन्याय और शोषणकारी अवस्थाओं को उत्पन्न करती है। बाल श्रम अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मासूमों का जिस प्रकार शोषण किया जाता है और उनका बचपन छीना जाता है वह अपने आप में एक बुराई है। अगर हम किसी का बचपन लौटा नहीं सकते तो हमें केवल इस आधार पर किसी का बचपन छीनने का कोई अधिकार नहीं है कि वह गरीब माँ बाप के घर पैदा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को भागलपुर के एक निजी संस्थान में NCPCR के तत्वाधान में बाल श्रमिकों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बांका DM अंशुल सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान DM अंशुल सिंह ने बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि चाइल्ड सेंसिटाइजेशन फॉर चाइल्ड राइट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे गलत संगति के कारण बिगड़ रहे हैं उन्हें कैसे सही मार्ग पर लाकर एक अच्छे जीवन का मार्ग दिखाया जा सके। बाल श्रम कार्यक्रम का संचालन कर रहे NCPCR के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बाल श्रम से पीड़ित बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि बाल मजदूरी और शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इससे बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते हैं। कार्यक्रम में बाल श्रम के दुष्प्रभावों पर व्यापक चर्चा की गई और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें हम लोग बेसिकली चाइल्ड सेंसिटाइजेशन जो चाइल्ड राइट्स इश्यू है तो उनको लेके हम लोगों ने यहाँ आज कार्यक्रम करवाया, जिसमें NCPCR से रिसोर्स पर्सन आए हैं मिस्टर संजय मिश्रा। तो ये यहाँ पे जो JJ एक्ट के थ्रू जो प्रोविजन है या उसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड रेस्क्यू किए जाते हैं या जो बच्चे स्कूल प्रीमाइसिस या कॉलेज प्रीमाइसिस में जो है सराउंडिंग में 100 मीटर में आपको देखने को मिलता है कई बार कि सिगरेट या कोई अदर टोबैको प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं, तो उन सब पे पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये सभी लोग मिलके कि कैसे हम उसको बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को जिला इकाई कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम फुटकर विक्रेताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस बैठक में संगठन द्वारा उनकी समस्याओं को लेकर
परिचर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से बिहार सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि यह बैठक उनकी मूलभूत समस्या को लेकर आयोजित की गई है। विशेषकर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले 30,000 रुपये मानदेय को लेकर सदस्यों ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि इस बैठक से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो राजधानी पटना में एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और फिर भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। मौके पर डीलर एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 65 चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पटना रवाना हो गए। दरअसल ये खिलाड़ी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इस समूह में आशादीप एथलेटिक्स क्लब के 2 दर्जन से अधिक लड़के लड़कियां शामिल है। वहीं जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती की मौजूदगी में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के सचिव मोहम्मद नसर आलम और आशादीप एथलेटिक्स क्लब के निदेशक जितेंद्र मणि राकेश ने खिलाड़ियों को बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना किया। मोहम्मद नसर आलम ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भागलपुर के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। भागलपुर में तुलसी परिवार के सौजन्य से गुरु पूर्णिमा के पुण्य महोत्सव के अवसर पर परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्री क्रीट भाई जी का शुभागमन गुरुवार को भागलपुर में हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर यह घोषणा की गई कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक द्वारकापुरी कॉलोनी स्थित श्याम कुंज में भागवत कथा के आयोजन हेतु तुलसी परिवार को अपनी स्वीकृति दी है, जिससे सभी भक्तों में हर्ष का माहौल है। वहीं संध्या काल में श्री खाटू श्याम मंदिर में पूजन के पश्चात अपने प्रवचन में गुरुदेव ने आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु शिष्य संबंध पर विशेष जोर दिया और इच्छुक भक्तों को गुरु दीक्षा प्रदान की। इस अवसर पर पवन बाजोरिया और अतुल डंडनिया ने संयुक्त रूप से भाई जी द्वारा सालसर से दीक्षित हनुमान कवच एवं त्र्यंबकेश्वर दीक्षित रुद्राक्ष का विमोचन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शोभा ढंडनिया, संगीता शाह, अतुल ढंडनिया, नीलेश कोटरीवाल, अभिषेक बाजोरिया, अभिषेक ढंडनिया, विनोद गुड्डेवाला, रोहन शाह, विमल गुड्डेवाला सहित कई भक्तों की मुख्य भूमिका रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान मीना ढंडनिया एवं संचिता झुंझुनवाला ने स्वागत ग्रंथ प्रस्तुत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन नीरज कोटरीवाल ने किया। मौके पर काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। परम पूज्य गुरुवर श्री किरीट भाई जी महाराज का भागलपुर पधारपुर हुआ है। हर साल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वो भागलपुर आते हैं। इसी उपलक्ष्य में उनका इस बार भागलपुर वापस पदार्पण हुआ है। इस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम की शुरुआत में सुबह इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और इनका संदेश था कि भाई पूरी दुनिया में हर जगह लोग कंक्रीट का जाल बिछा रहे हैं, वृक्ष खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इनका संदेश ये है कि भाई हर इंसान जैसे अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक काटते हैं, वो केक ना काट के हर परिवार अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरुजी का यहाँ पर श्याम भक्त मंडल बंदरोजा में इनका हम इनकी वाणी का आनंद उठाएंगे और इनका कल कितने दिनों तक चलेगा ये प्रोग्राम? आज समाप्त हो जाएगा।